महाराष्ट्र सरकार ने अब अपील की है कि जब भी फोन आए तो हेलो की जगह वंदे मातरम बोलें। इसलिए लोगों से हमारी अपील है कि वे हेलो के बजाय वंदे मातरम कहें। अब ये सवाल अलग है कि आखिर सरकार की इस अपील पर कितना अमल किया जाएगा, लेकिन आपने सोचा है कि आखिर फोन उठाते ही हम हेलो क्यों बोलते हैं? हेलो की जगह वंदे मातरम बोले सुने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता रवि गुप्ता ने क्या कहा। ये एक अंग्रेजी शब्द है जो अंग्रेज अपने साथ लाए थे। पहले भारत में हमारी सभ्यता थी, राम राम जी एक दूसरे को बोलते थे, नमस्ते एक दूसरे को बोलते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करते थे। अब हेलो आने से वो रिस्पेक्ट तो बहुत दूर रह गया, क्योंकि बच्चा बूढ़ा सबको हेलो से ही बुलाया जाता है। देखिए मोदी एज अ PM वो PM का रोल निभा रहे हैं, लेकिन अगर पक्ष की बात करेंगे, मैं किसी पक्ष की तारीफ नहीं करूँगा या उनकी मतलब बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि जो गई हुई सरकार है, जो पिछली सरकार थी, उनको जो टारगेट दिया गया था उन्होंने अपने हिसाब से किया है। जो ऐसा होता कि जो सरकार जाती है और जो आने वाली सरकार होती है उनको वो अधूरा टास्क दिया जाता है जो आने वाली सरकार पूरा करती है। तो इसमें आप किसी एक व्यक्ति की तारीफ करेंगे वो कोई भी इंसान उसको हजम नहीं करेगा, क्योंकि हर सरकार जो रूलिंग पार्टी है उनका वो काम है, उनके टेन्योर में उनको वो काम करना ही पड़ेगा। क्या कहना है? इंडिविजुअल लेवल पे आप अगर देखेंगे तो वो काम अच्छा ही हो रहा है, लेकिन अगर पक्षपात आप देखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज है वो कभी नहीं चाहेंगे एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ की जाए, क्योंकि जिनकी जो लोग हारे हैं पॉलिटिकली वो कभी नहीं इनकी प्रशंसा करेंगे। आम जनता जिनको जो सुविधा मिलेगी वही ये निर्णय करेगी कि पिछली सरकार और आने वाली सरकार ने क्या किया। आम जनता को एक ही चीज चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। अगर ये पिछली सरकार भी दे रही थी और आने वाली सरकार भी दे रही थी दे रही है तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं है, पर बस काम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश का सुधरना चाहिए वो जैसे सुधरता रहेगा, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे सुधरता जा रहा है।